हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड शेयर के ऊपर में। आज के सेशन में स्टॉक में 74 रुपीस के अराउंड ट्रेड करता हुआ देखने को मिला और 1.7% की हमें यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। वही अगर लास्ट सिक्स मंथ की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे 21% के पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिले हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे भी तो इसका जो यहाँ पे हमें जो मेजर इसका जो रेजिस्टेंस था वो 70 रुपीस के करीब था। 68-70 रुपीस का जो रेजिस्टेंस था वो भी हमें यहाँ पे स्टॉक में क्रॉस होता हुआ देखने को मिला और वहाँ से हमें ब्रेकआउट भी आता हुआ देखने को मिला था। जैसे अगर मार्केट कैप देखा जाए तो 32,782 करोड़ के करीब में है और अगर स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात की जाए तो यहाँ पे 51 का हमें देखने को मिलता है। और इसमें जो कमाल की चीज़ आप देखेंगे ROCE देखिए 48% का है और करंट रेशियो 1.94 का है और डेप्ट टू इक्विटी आप देखिए तो 0.15। इतनी अच्छी कंपनी और यहाँ पे हमें कोई डेप्ट भी नहीं देखने को मिलता है। और कैश इक्विवेलेंट देखेंगे 268 करोड़ का है और इसके कंपेयर में अगर आप देखोगे इंटरेस्ट सिर्फ 27 करोड़ का हमें इंटरेस्ट देखने को मिलता है। और ROE आप देखिए तो 42% की देखने को मिलती है, बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ आप देखिए 31% की देखने को मिलती है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कंपनी के जो फंडामेंटल हैं वो हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं और सेल्स ग्रोथ भी आप देखेंगे तो 18% की हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो यहाँ पर मदरसन सुमी के जो फंडामेंटल्स हैं वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलते हैं। ROE भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलता है 42% का और ROCE भी हमें 48% का देखने को मिलता है। अब मदरसन सुमी वायरिंग की बात की जाए तो ये हमें मार्केट लीडर देखने को मिलता है इंडियन वायरिंग हार्नेस इंडस्ट्री में और इसका जो मार्केट शेयर है वो हमें 40% से भी ज़्यादा का देखने को मिलता है मदरसन सुमी वायरिंग का। अगर इनका रिवेन्यू ब्रेकअप देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 58% इनका जो रिवेन्यू है वो हमें पैसेंजर व्हीकल से आता हुआ देखने को मिलता है और कॉमर्शियल व्हीकल से 12% का देखने को मिलता है और टू व्हीलर से हमें 14% का जो रिवेन्यू है आता हुआ देखने को मिलता है और ऑफ रोड एग्रीकल्चर फार्म इक्विपमेंट इसमें से हमें 10% आता हुआ देखने को मिलता है और जो रिमेनिंग है वो अदर्स से आता है 6% जहाँ पर है। यहाँ पे 200 करोड़ के करीब में फाइनेंशियल ईयर 2025 में केपेक्स का भी प्लान कर रही है जिसमें से जो 70% है वो हमें एक्सपेंशन के तौर पर यूज़ होता हुआ देखने को मिलेगा और जो 30% है वो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा। बात की जाए तो आप देख सकते हैं 2230 करोड़ के करीब में हमें देखने को मिलती है जो कि आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हमें लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। वहीं एबिटा की बात की जाए तो एबिटा भी आप देखेंगे तो कंटिन्यू हमें यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जो लास्ट क्वार्टर था वो हमें 290 करोड़ के करीब एबिटा देखने को मिला था और इसमें एक चीज़ और देखेंगे तो 5 अगस्त को कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो हमें पेंडिंग देखने को मिल रहे हैं। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो यहाँ पे 190 करोड़ के करीब हमें देखने को मिलता है। ये भी आप देखेंगे तो कंटिन्यू ग्रोथ पे हमें देखने को मिलता है, लगातार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंपनी का बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के हमें 61.73% के स्टेक देखने को मिलते हैं और FIIs के हमें 10.76% के स्टेक देखने को मिलते हैं और DIIs हमें 16.24% की हिस्सेदारी यहां पे रखते हुए देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो वो भी हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर FIIs और DIIs दोनों की ही हिस्सेदारी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर मदरसन सुमी वायरिंग के चार्ट की बात करें तो यहाँ पर मैं डेली टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं जो स्टॉक है वो हमें एक पैटर्न में चलते हुए देखने को मिल रहा है, एक चैनल में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सिंपली आप देखिए यहाँ से नीचे आता है तो यहाँ से सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस था, फिर नीचे की तरफ आ गया सपोर्ट किया, फिर से यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस था, वापस से स्टॉक हमें सपोर्ट की तरफ आता हुआ देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं जो स्टॉक है वो इसकी हमें यही पैटर्न देखने को मिलता है। और अगर सपोर्ट की बात करी जाए तो यहाँ पर हमें जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 70 रुपीज़ से लेकर 68 रुपीज़ का ये जो जोन है ये स्टॉक के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। और अगर इसके नीचे निकलता है स्टॉक तो कहीं ना कहीं स्टॉक हमें इस ट्रेंड लाइन के करीब आता हुआ देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ पे बात की जाए ऊपर की साइड क्या लेवल्स हैं तो यहाँ पे अगर स्टॉक हमें 80 रुपीज़ के ऊपर निकलते हुए देखने को मिलता है तो स्टॉक में फर्दर तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। तो सिंपली इस तरीके से यहाँ पर मैं मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया को देखता हूँ। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।